आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए अपन के पास दे रखा है कि इफ ए इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 एंड बी इक्वल टू दे रखा है अपने कॉस इनवर्स कॉस 5 के बराबर दे रखा है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अपने पास किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास ए बताइए, ए इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो साइन इनवर्स साइन 5 के बराबर दे रखा है, साइन 5 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। या अपने पास ए इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, जब ए इक्वल टू अपने पास इसके बराबर दे रखा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो अपन क्या करेंगे, ये जो अंदर में इंटीजर फंसा हुआ है इस इंटीजर को देखिए कौन से दो पाई के बीच आ रहा है, क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ पता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ पता है, उसके बीच हम कोरिलेट कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास 5 जो होता है ना वो अपने पास 2π से छोटा और ग्रेटर देन पाई, इससे अपने पास ज़्यादा होता है, हाँ या ना। हमें कैसे पता चला, तो पाई का वैल्यू अपने पास किसके बराबर था, 3.14 से, तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, और 6 से अपन के पास ऑब्वियसली से बात है कम है, ठीक है। अब अपने के पास क्या कीजिए, तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, पाई और 2π के बीच में साइन इनवर्स का ग्राफ बना लीजिए। तो पाई और 2π के बीच में जो साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो अपने पास कुछ इस तरीके का होता है, कैसा होता है, कुछ इस तरीके का। मैं मान चलता हूँ कि आपको ग्राफ बनाने आता होगा, अगर ग्राफ नहीं आता है तो फिर मोए मोए होगा, यानी हमारे पास ये जो पॉइंट होता है ना ये पॉइंट अपने पास पाई के बराबर होता है और ये अपने पास किस बराबर होता है, 2π के बराबर। इस लाइन का हम इक्वेशन लिख रहे हैं, इस लाइन का जो इक्वेशन होता है ना वो अपने पास होता है पाई माइनस एक्स के बराबर, हाँ है ना। और इस लाइन का जो इक्वेशन होता है ना, इस लाइन का इक्वेशन होता है पाई प्लस 2, यहाँ से अपने पास किस बराबर, एक्स माइनस 2π के बराबर होता है, हाँ या ना। इस लाइन का इक्वेशन, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप ऐसे भी निगेटिव है। अब अपने पास बीच में कुछ नंबर फंसेगा, बीच में अपने पास क्या है, तो यहाँ से अपने पास 3π/2 के बराबर है। अब हमें यह देखना है कि 5 जो है ना वो 5 अपने पास 3π/2 से लेफ्ट साइड में आता है या राइट साइड में। अगर अपने के पास लेफ्ट साइड में आएगा तो ये वाला डेफिनेशन यूज किया जाएगा, और अगर राइट साइड में आएगा तो ये वाला डेफिनेशन यूज किया जाएगा। चलिए यहाँ से अपने पास 3π/2 3 × π/2 का वैल्यू 1.57 आता है, तो यहाँ से अपने पास किस बराबर 15 या 45, यानी 4.5 के आसपास आएगा, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली किस बराबर 4.5 के आसपास, 4.6 ले लीजिए, उससे ज़्यादा अपने पास नहीं आ सकता, यानी 5 अपने पास यहाँ पर कहीं आएगा। जब 5 यहाँ पर कहीं आएगा तो अपने पास 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डेफिनेशन यूज होगा, ये वाला, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएंगे वो अपने किस जाएंगे 5 − 2π के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। ग्राफ से बात एकदम साफ हो जाती है, ये तो अपने पास ए किसके बराबर हो गया, 5 − इसके बराबर। बी के बारे में कमेंट कीजिए, बी इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो कॉस इनवर्स कॉस 5 के बराबर, हाँ या ना। अब हमें यह देखना है कि ये जो 5 है किस दो पाई के बीच आ रहा है, वैसे भी आपको पता है कि 5 अपने पास कौन से दो पाई के बीच आ रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास 5 जो है वो अपने के पास लेस देन 2π और ग्रेटर देन अपने किस बराबर है, तो पाई के बीच है, ठीक है, हाँ या ना। अब अपने पास पाई और 2π के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास ग्राफ बना लेते हैं, किसका, तो ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो अपने के पास एक्स एक्सिस को ऊपर ही लाई करता है, कैसे, कहाँ से, एक्स एक्सिस को ऊपर ही लाई कर रहा है, ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ हो गया, बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास बताइए, तो यहाँ से अपने पास ये जो वैल्यू होता है ना, ये अपने पास पाई होता है और ये अपने पास बराबर 2π, कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, तो हमें याद है और आप भी याद कर लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ये इतना तो एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो अपने पास डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किस बराबर हो जाएंगे, तो ये डेफिनेशन हो जाएंगे 2π − x के बराबर, 2π − x के बराबर, और ये वाला जो डेफिनेशन हो जाएगा वो किस पर आ जाएंगे, 2π − 2π के बराबर, हाँ या ना। तो अपने पास 5 किसके किसके बीच है, तो 5 ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर कहीं होगा, हाँ या ना। जब 5 यहाँ पर कहीं होगा तो इसका अपने पास डेफिनेशन, तो x की जगह 5 डाल दीजिए, ये किस पर आ जाएंगे, 2π − x के बराबर, x नहीं बल्कि 5 के बराबर, हाँ या ना। तो ये अपने पास बराबर हो गया, ए अपने पास इसके बराबर हो गया और अपने के पास बी इसके बराबर हो गया। अब अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर यहाँ से बता दीजिए, तो फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ए अपने पास है क्या, तो ए आ गया अपने के पास 5 − 2π के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर, और बी अपने पास किसके बराबर है, तो बी है अपने पास 2π − 5, इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, जो एड हो रहा है एड कर लीजिए, जो घट रहा है घटा लीजिए, यहाँ से आ गया अपने पास 25 और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, 4π² के बराबर, और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 5 × 10 × 20, तो 20π के बराबर, हाँ ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी तो अपने पास सेम ही लिखा हुआ है, तो ये आ गया अपने पास, इस पूरे को अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने पास फास्ट कीजिए। देखिए अगर गौर से देखिए, ये दोनों सेम लिखा हुआ, बस अपने पास माइनस का अंतर है, ठीक है। तो हम माइनस अंदर में अपने पास रहे या ना रहे कोई फर्क है, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यही लिखा हुआ है। यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 8π² के बराबर, और माइनस टाइम 40π के बराबर, और प्लस टाइम 50 के बराबर, हाँ या ना। यही अपने पास क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो अपने पास देखिए ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
ये थे आपके जेई मेंस के 31 जनवरी 2024 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो बना कराना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है, बस आपको ग्राफ पता होनी चाहिए, अगर ग्राफ नहीं पता है तो फिर मोए मोए होगा आपका। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिस्ट है, हैप्पी स्टेल्दी एंड गुड बाय।